नहीं बुलाएंगे, उठिए चले जाइए, उठिए चले जाइए, उठिए चले जाइए, जाइए इनसे करवा बैठ चलो। हां जाइए आप भी जा रहे हैं। नहीं नहीं आप भी जा रहे हैं आदमी के साथ। मैं 20 मिनट से तो राम राम मेरे प्यारे युवाओं की हलचल मजा। हमारे इस डिबेट में एंकर साहब ने दो दो मुल्लाओं को उठा के भगा दिया है, तो बहुत ही गजब की डिबेट होने वाली है, तो इस डिबेट को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलचित्र। इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद जिंदाबाद, रामनाथ कोविंद मुर्दाबाद। तो आप बताइए, जो अभी सिटिंग राष्ट्रपति है आदरणीय महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनके लिए मुर्दाबाद के नारे आज सुबह लगाए जा रहे थे, ये मैं देशद्रोह मानता हूँ। डिप्लोमेटिक बातचीत करेंगे आप पाकिस्तान में जाते हैं उस पे क्या कहेंगे आपके साथ वो बिरयानी खाकर आए आजम खान के इन्फॉर्मेशन के साथ कौन किसको लेके आए हैं, किसको लेकर आए हैं सुमित जी? दाऊद इब्राहिम के साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बिरयानी खा रहे हैं। इन देशद्रोहियों को देखिए, देशद्रोहियों को देखिए। जो संबित पात्रा ने कहा कि कोविंद जी का विरोध हो रहा है, पाकिस्तान के एडवाइजर को घर में बिठा के रख रहे हैं, जवाब है इसका कोई आपके पास? जी, पाकिस्तान के एडवाइजर को घर में बिठा के रख रहे हैं, वीजा तो आपकी गवर्नमेंट ने दिया होगा पात्रा जी। एक बात साथ अर्ज करूंगा, हर चैनल में आकर के ये संबित पात्रा जो है, जितने मुस्लिम होते हैं सबको जो है आतंकवादी कह देते हैं। आप भी ऑब्जेक्शन नहीं करते, कोई भी नहीं करते। हमेशा कहता है जैसे कन्हैया कुमार देशद्रोही है, किस तरह से दांत दिखाई आतंकवादी नहीं है, तुम आतंकवादी हो। अर्शद काजमी आपको संबित पात्रा की बातें क्यों चुभ रही है, क्यों चुभ रही है? सच्ची बात तो है नहीं वो, फिर क्यों चुभ रही है आपको? नहीं है ना, अगर संबित पात्रा के कहने से, संबित पात्रा के कहने से आप आतंकवादी हो जाएंगे, संबित पात्रा के कहने से आप देशद्रोही हो जाएंगे, आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है ऐसा? और अभी आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो जायज है, अभी आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो जायज है। एक मिनट, माफी नहीं, माफी तो एक ही आदमी को मांगनी है, नदीम अंसारी को, जिन्होंने बेहूदाबाद किया राष्ट्रपति के बारे में। मतलब क्या है, फिर सरगर्म करेंगे, फिर सरगर्म करेंगे, फिर सरगर्म करेंगे। एक डिबेट से आपको निकाला जा चुका है, काश्मीर साहब एक बार आपको डिबेट से निकाला जा चुका है। आपने किसी का सरगर्म करने की धमकी दी थी, याद है आपको? काश्मी साहब आपको निकाल देगा उस डिबेट से, फिर आप धमकी दे रहे हैं, फिर आप धमकी दे रहे हैं। नहीं कहा आतंकवादी, नहीं कहा आतंकवादी, नहीं कहा आतंकवादी। इनको राष्ट्रपति का विरोध करेगा वो देशद्रोही है, जो देश के चुने हुए राष्ट्रपति का विरोध आदमी को बाहर निकालिए, नक्सलवादी तुम जाओ बाहर, हम जो बाहर जाएंगे। सुमित जी क्या बोल रहे हैं तुम? फिर ये बेहूदाबाद, बेहूदाबाद क्या बोल रहे हैं? काश्मीर साहब बेहूदाबाद, सुमित जी आप इनको तुरंत निकलवाइए, कुत्ता बेहतर है, आप इनको तुरंत निकलवाइए। अभी आपको बोले इसी शब्द से खुश हो जाएंगे आप खुश हो जाएंगे। एक मिनट इनका आवाज कम कर दीजिए, काश्मीर साहब की आवाज कम। सुमित जी आप इनको तुरंत निकालिए, काश्मीर साहब की आवाज, काश्मीर साहब की आवाज बंद कर दो, पीसीआर प्रोड्यूसर साहब, काश्मीर साहब की आवाज काट दीजिए, काश्मीर साहब के पास कोई नहीं जाएगा। उनके कहने से अगर कोई राष्ट्रद्रोही बन जाता है, देशद्रोही बन जाता है, तो ये आपकी दिक्कत है। आप पलट के उनको बोल सकते हैं, आप पलट के, मैं आपके लिए आंसरेबल नहीं हूँ। काश्मीर साहब आपको बैठना है, बैठे, नहीं बैठना आप उठ के जा सकते हैं, आप उठ के जा सकते हैं, कोई मुझे कोई परवाह नहीं आपकी।
एक मिनट काश्मीर साहब, ये आपकी आपने फिर वही काम कर दिया, आपने फिर वही बात कर दी जो एक साल पहले किसी चैनल पे आपने की थी, किसी और चैनल में आपने किया जनाब। आपने जो हरकत की थी दूसरे चैनल में बैठ के, उसके बावजूद मैं आपको बुलाता हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? काश्मीर साहब हाँ नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, उठिए चले जाइए, उठिए चले जाइए, उठिए चले जाइए, जाइए, गलती हो गई मुझसे आज, गलती हो गई मुझसे आज, उठिए जाइए, उठिए जाइए, उठिए जाइए, उठिए जाइए, उठिए जाइए, निकल जाइए काश्मीर साहब, निकल जाइए काश्मीर साहब, गलती हो गई मुझसे आपको बुलाया, गलती हो गई, मुझे लगा सुबह का बुला शाम को लौट के आ गया है, लेकिन आप शाम को लौट के नहीं आए, आप भटक गए, आप भटक गए, किसी और चैनल पे आपने सर कलम करने की धमकी दी थी, सर कलम करने की धमकी दी थी आपने, सरेआम कौन होता है वो, कौन होता है वो, कौन होता है वो? काश्मीर साहब संबित पात्रा के कहने से आप आतंकवादी नहीं हो जाते, आपको नहीं कहा, आप कमजोर व्यक्ति नहीं है, अभी क्या करें नदीम अंसारी, क्या करें, क्या करें, गलत बात कहते हैं सारी, नहीं काश्मीर साहब, काश्मीर साहब को स्क्रीन से बाहर कर दे, काश्मीर साहब को, काश्मीर साहब का वॉल्यूम बंद करे, काश्मीर साहब को स्क्रीन से बाहर कर दे, काश्मीर साहब की डिबेट में कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फैसला है, मैंने इनको बुलाया, आज मैं अपने फैसले की माफी मांगता हूँ, इनको नहीं बुलाऊंगा आज के बाद, ये मैं वादा करता हूँ। जुबान एक दरिंदे की तरह होती है, इसे खुला छोड़ दिया जाए तो ये फाड़ खाती है, और जो जुबान की दरंगी दरिंदगी यहां हुई है मैं उसकी कड़े शब्दों में मजम्मत करता हूं, और संबित पात्रा को भी यह अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी राजद्रोही कहे और राष्ट्रभक्त कहे। किसी के कहने से कुछ हो जाता है? हम वाल्मीकि का उदाहरण दे सकते हैं, वाल्मीकि पहले क्या थे, लेकिन हम वाल्मीकि को जानते हैं रामचरितमानस लिखी, वो इसलिए जानते हैं राम, तो रामचरितमानस रचयिता, सुन लीजिए आप सुन बोल रहे हैं भाई, भाई रामायण लिखी उन्होंने रामचरितमानस, चलिए रामायण तुलसीदास ने लिखी भाई, सुन लीजिए भाई आप फैक्चुअल एरर कर रहे हैं, रामायण लिखी नहीं, नहीं अरे क्या होता है, आप फैक्चुअल एरर कर रहे हैं, फैक्चुअल हां जाइए आप, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं, आप इस तरह के आदमी के साथ भाई रामायण लिखी मिनट से बैठा हूं, फैक्चुअल करते हैं नहीं लिखी उन्होंने भाई, फैक्चुअल आपको मालूम नहीं है आपको, अरे तो होगी ना, आपको मालूम ही नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, अरे आप राष्ट्रपति नहीं बोला, राष्ट्रपति नहीं बोला, तो आपने चार बार बोला राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति नहीं बोला, चार बार बोला होमवर्क का, उसी तरीके से होमवर्क, उसी तरीके से लिखी, उसी तरीके बारे में नहीं भाई, उसी तरीके से उन्होंने गलती को टोक दिया भाई, आप दोनों राम के बारे में आपकी गलती को टोक दिया, बात खत्म हो गई, इसमें देश में नहीं किया बात है मीर भाई, आप बोलने नहीं देते, अरे कुछ नहीं बोलने देते, अरे भाई आपकी बात को आपने मान लिया, प्रमाण पत्र दे रहे हैं, फिर आप शुरू हो गए, फिर आप शुरू हो गए, अरे बैठिए, अरे तो भाई मैंने कहा था, बोला बीच में भाई, आप बोले बीच में, चलिए जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट, टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप है ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन नाम से, जिसका लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो टेलीग्राम को ओपन कीजिएगा और उसमें सर्च कीजिएगा ऑफिशियल राइट रेवोल्यूशन, आपको अपना ग्रुप मिल जाएगा। आज के समय सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो हमारे देवी देवताओं की पिक्स को एडिट करके पोस्ट करते हैं एवं उनके बारे में गलत गलत टिप्पणी करते हैं, तो हम अपने इस ग्रुप में ऐसे अकाउंट्स की रिपोर्ट करते हैं, जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी ये अकाउंट उतनी ही जल्दी बंद होंगे, तो मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो टेलीग्राम पर अपने इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।